नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला में। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मैं विकास शुक्ला, जो कि ग्रुप टू और सब ग्रुप फोर की वैकेंसीज आपने देखी होंगी कि जो कैलेंडर जारी किया गया है अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, यहां पर उससे संबंध में आपको मैं बताने आया हूं कि किस प्रकार पहले एग्जाम्स हुआ और क्या क्या था उसमें सिलेबस। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें मैं पिछले नोटिफिकेशन को बताऊंगा किस आधार पर क्या क्या होता रहा है। तो चलिए सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आपको यहां पर जो एक बड़ा एग्जाम है ये भी ग्रुप टू और सब ग्रुप फोर के अंतर्गत, ग्रुप फोर के अंतर्गत जो वैकेंसीज आपको आगे आने वाली हैं, जिसका एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और कौन कौन से कैलेंडर में एग्जाम है वो भी मैं यहां आज बताने वाला हूं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहां पे सबसे पहले मैंने वो जो कैलेंडर जारी किया है, यहां पर जो पीबी है हमारा, उसकी वेबसाइट पर ESB जिसको अभी बोला जाने लगा है, उसकी वेबसाइट पे आप देखेंगे टेंटेटिव एग्जाम्स डेट, जो कि संभावित एग्जाम की डेट्स हैं, यहां पे आप देखते ही होंगे माध्यमिक शिक्षक से संबंधित यहां पे अगस्त 2024 बोला गया है ये परीक्षा आने वाली है। इसके अलावा प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता, मतलब इसका फॉर्म आने वाला है, ठीक है, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। यहां पे प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कही जा रही है कि सितंबर माह में ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये डेट्स टेंटेटिव्स होती हैं, इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, बाकी जो जारी कर दिया है कैलेंडर, मतलब इसका यही है कि वो वैकेंसी जरूर बहुत जल्द ही उन पर एग्जाम कंडक्ट ये एजेंसियां करवाएंगी, ठीक है। यहां पर देखते हैं हम इसके आगे, आपको समूह चार के अंतर्गत सहायक वर्ग तीन व अन्य समकक्ष पदों पर संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी, समूह वन। इसके अलावा महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम चल आने वाला है, और इसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन होगा उसके संदर्भ में कहा गया कि एग्जाम अक्टूबर में संभावित है। ये संभावित है, टेंटेटिव्स है, ये आपको दिख रहा होगा समूह टू और उप समूह थ्री। इसके अलावा आप समूह टू और उप समूह फोर सहायक संपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों की हेतु भर्ती परीक्षा, इससे संबंधित आज मैं आपको नोटिफिकेशन ये यहां बताने वाला हूं। सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा भी होनी है, जो कि दिसंबर 2024 में टेंटेटिव है। इसके अलावा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल पैरी वगैरह का जो कंबाइंड एक एग्जाम होता है, ये जनवरी 2025 दिख रहा है, जो कि एक बड़े स्तर पर बहुत सारे प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट को आज, देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जो कि आपका भोपाल के अंतर्गत है, इसमें आप देख रहे होंगे कि समूह टू और उपसमूह फोर सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, तो ये कंबाइंड एग्जाम होता है इसका। पिछले बार आपने देखा होगा कि इसके पहले भी एग्जाम एक दो बार और भी जो कंडक्ट कंटिन्यू करवाया गया था, उसके अंतर्गत लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी अलग से आपने, और उसमें अन्य पद भी थे समकक्ष जो कि उसमें आए थे, ठीक है। अब इस बार जो इन्होंने क्या किया था, इसके अंतर्गत कई एग्जाम थे जिनमें से लेबर इंस्पेक्टर और जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, राजस्व अधिकारी, भू अभिलेख, राजस्व विभाग के अंतर्गत जो पटवारी कार्यपालक हेतु यहां पर भर्तियां संयुक्त रूप से करवाई गई थी। इस समय जो पिछला एग्जाम हुआ था इसका, उसमें पटवारी को इसमें ऐड कर दिया गया था। भगवान करे फिर से आ जाए तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो उसमें जो अभी कैलेंडर दिया गया है वो इन समकक्ष परीक्षाओं हेतु है, जिसमें आपको लेबर इंस्पेक्टर हुआ, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी हुआ, ये सारी वैकेंसीज उसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो यहां पे जो तिथि थी उस समय आवेदन भरने की अंतिम तिथि ये 19/1/2023 थी, और संशोधन की भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा का दिनांक जो बोला गया था कि यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि कई दिनों ये चलते हैं ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो 15/3/2023 से प्रारंभ इसमें बोला गया था। परीक्षा का शुल्क जो था वो जनरल कैटेगरी के लिए अनारक्षितों के लिए 500 और SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जन के लिए यहां पर जो 250 रुपए थी इसकी फीस, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो ये दो पालियों में दो शिफ्ट के अंतर्गत आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, मतलब दो एक दिन में दो एग्जाम इसके अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर हम देखें इसमें तो ये तृतीय श्रेणी की भर्तियां हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे समकक्ष पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी और बहुत सारी भर्तियां जो इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई थी। कंबाइंड एग्जाम था ये। परीक्षा का आयोजन आप देखें तो यहां पर जो
एग्जाम के अंतर्गत विशेषकर यहां पर प्रश्न पत्रों की संख्या, वो प्रश्न पत्र तो एक ही था, लेकिन इसको कंबाइंड किया गया तो यहां पे उसको 200 प्रश्नों का बना दिया। आपने देखा होगा पटवारी पिछला जो 2017 के अंतर्गत हुआ था उसमें 100 नंबर का था, लेकिन जब इसको एक साथ आयोजित किया गया तो 200 नंबर का पेपर हो गया था। यहां पे इसमें जो सिलेबस में रहता है सामान्य विज्ञान, जर्नल साइंस, साइंस भी होती है वो जर्नल साइंस है, सामान्य हिंदी, जर्नल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जर्नल इंग्लिश और सामान्य गणित पहले सेक्शन में 100 प्रश्नों के साथ देखने को यहां पे मिलेगा और उनके 100 अंक बताए गए हैं। दूसरा सेक्शन होता है इसमें, इसमें सब्जेक्ट होते हैं सामान्य ज्ञान, जो आपका जीके जिसको कहते हैं, जिसमें जीके के सारे पार्ट आते हैं, एवं अभिरुचि, ठीक है, यहाँ पे सामान्य कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी था, इसके अलावा सामान्य तार्किक योग्यता, और इसके अंतर्गत जो सामान्य तार्किक योग्यता के अंतर्गत मैथ रीजनिंग के बहुत सारे सेक्शंस को इसमें ज्यादा ऐड किया गया था। इसके अलावा इसमें सामान्य प्रबंधन को भी ऐड किया गया है इस बा सेक्शन के अंतर्गत, जो कि प्रबंधन से संबंधित आपको यहां पर जानकारी इसके अंतर्गत दी गई थी। उसमें लेबर इंस्पेक्टर का जब अलग से एग्जाम आया था तो थोड़ा सा मैथ्स जो थी वो एडवांस लेवल की थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का इस्तेमाल भी उसमें किया गया था। इसके अलावा जो उसमें मैनेजमेंट था वो थोड़ा सा और ज्यादा टफ था पिछले वाले कंबाइंड एग्जाम की अपेक्षा, क्योंकि वो वहां पर इसमें पटवारी एग्जाम को ऐड किया गया था, इस वजह से पटवारी का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो यहां पर अर्हताओं की बात करें हम तो एक जनरल लेवल पे अगर देखें तो इनके अंतर्गत आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक, स्नातक होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी यहां पर दर्शाता है कि जिस भी स्ट्रीम के अंतर्गत आपका क्या हो शैक्षणिक अर्हता। तो अलग अलग सेक्शन दिए गए थे हर एग्जाम की अलग अलग अर्हता, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इसमें इंक्लूड थे, तो स्नातक होना चाहिए उस पोस्ट से संबंधित पद के लिए। ठीक है, यहां पर जो आयु सीमा है, आयु सीमा एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 बताया गया था से निर्धारित की जाएगी, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे भर्ती का जो तरीका है इसमें खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने के लिए यहां 18 से 40 वर्ष उम्र बताई गई है। ठीक है, न्यूनतम 18 अधिकतम 40, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निशक्त जन, महिलाओं के लिए यहां पर 5 वर्ष की छूट दी गई थी, और 18 से 45 वर्ष तक के यहां पर जो लोग हैं अभ्यर्थी हैं वो इसको भर सकते थे। तो अगर आप इन वर्गों में आते हैं तो आपको 45 एज लिमिट उसमें दी गई थी, और अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको यहां पे 40 वर्ष तक की छूट दी गई थी। यहाँ पे ये टोटल वैकेंसी थी श्रेणीवार, अलग अलग जो श्रेणियां थी एग्जाम्स की उसके अंतर्गत यहाँ पे अनारक्षितों के लिए जो थी वो 2721, ओवरऑल देखा जाए तो ये 9000 पद आए थे उसके अंतर्गत, कितने थे 9000 यहाँ पर आपको पदों की या पोस्ट की संख्या दिख जाएगी। और ये जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग वही है एग्जाम जो कि अलग से कंडक्ट कराया गया था, फिर अभी 2023 में जो पटवारी के साथ एग्जाम हुआ उसमें यहां पर सेम ही चीजें आपको देखने को मिलेगी लगभग। यहां पे फीस भी आपको वैसी मिलेगी, दो पालियों के अंतर्गत यहां पर एग्जाम होता हुआ दिखेगा, एक दिन में दो शिफ्टों में यहां पर पेपर हुए थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही था लेकिन उसने कंबाइंड करके इस बार पटवारी के साथ दे दिया था। ठीक है, और आपके कैलेंडर में इसलिए हम लोग ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर आपका माइंडसेट ग्रुप टू और सब ग्रुप फोर का है तो आप बिल्कुल लग जाइए, उसके अंतर्गत ये न्यूनतम अर्हताएं और ऐसा सिलेबस और इतने शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, तो यहां पर वही चीज पूरी की पूरी देखने को मिली है। ठीक है, सामान्य प्रबंधन वगैरह जो पार्ट बी में आपको यहां भी देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं। एक प्रश्न पत्र होता है, पेपर एक ही होता है, जिसमें 200 अंक या 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 100-100 के दो सेक्शन होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार का मैं अभी आपको जो सब्जेक्ट बता चुका हूं वही चीजें इसमें भी आपको उस समय देखने को मिली थी। मैंने इसको यहां पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपको पता चले कि हाँ इस बार उसमें कंबाइंड करके दे दिया था, बाकी ये भी वही वैसी ही आयु सीमा उस समय भी देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए तो यहां पे सेशन को हम एंड करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। आपको उम्मीद करता हूं इससे संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी, और वो कैलेंडर से रिलेटेड तो आपको ये ध्यान देना है कि भैया कैलेंडर आ चुका है और हमें किसी प्रकार का यहां पर बिल्कुल भी अपने आप को
पीछे नहीं रखना है, तैयारी में लग जाना है, क्योंकि यहां पर जो टेंटेटिव डेट है उसके आसपास ही एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा। नवंबर 2024 इसका डेट दिया गया है, ठीक है। तो आज से ही लग जाइए और ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत अगर आपकी चाह है एग्जाम को क्रैक करने की तो आज ही जुड़े। और हमारे द्वारा भी यहां पर व्यापम के विभिन्न प्रकार के बैचेस लाए जा रहे हैं, तो अभी ज्वाइन करें। और इसके अलावा और भी कोई नोटिफिकेशन की जानकारी चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ बने रहें। ये पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर आपको जानकारी देने की कोशिश है, जिससे आपको जो डाउट्स में हो, कोई एज लिमिट से बाहर जा रहा हो, कोई यहां पर अर्हता से संबंधित हो, कोई यहां पर पदों के बारे में जानकारी चाहता हो, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। तो मैं विकास शुक्ला आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।